आजमगढ़ जिले में इस बार समाजवादी पार्टी को अपने ही घर में चुनौती मिलती नजर आ रही है। जिले की 7 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नाम आने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जिले की गोपालपुर विधानसभा से टिकट की आस लगाए बैठी पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम बगावती सुर अपनाती नजर आ रही है। टिकट कटने के बाद ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश यादव ने उनके साथ छल किया है। ऐसे में अपने लोगों के साथ बैठक कर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। शमा वसीम की नाराजगी को भुनाने में दूसरे दल भी लगे हैं। ऐसे में इस सीट से शमा वसीम सपा प्रत्याशी के सामने चुनौती पेश कर सकती हैं। जिले की गोपालपुर फूलपुर निजामाबाद व दीदारगंज विधानसभा के प्रत्याशी लगातार इस्तीफा देकर व त्याग पत्र देकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जिले की फूलपुर विधानसभा से सपा द्वारा पूर्व बाहुबली सांसद रामकांत यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में लगातार फूलपुर विधानसभा के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पदाधिकारी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ गए हैं। यह प्रत्याशी अखिलेश यादव से मिलकर टिकट बदलने की अपील करेंगे। वहीं दीदारगंज से सपा ने कमलकांत राजभर को टिकट दिया है। टिकट की लाइन में रहे पूर्व विधायक आदिल शेख भी लगातार टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। हालांकि आदिल शेख को समाजवादी पार्टी जौनपुर की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। निजामाबाद से सपा ने आलमबदी को प्रत्याशी बनाया है। यहां से टिकट की लाइन में इसरार अहमद के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में सपा को अपने ही गढ़ में इस बार चुनौती मिलती नजर आ रही है।